नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमें रेट को निकालना है, ठीक है, यानी ब्याज की जो दर है उसको हमें निकालना है। उसने कहा कि जो धनराशि अगर पी है तो अपने कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट कितना हो जाता है, 8p हो जाता है, जबकि समय दिया है उन्होंने कि समय 3 वर्ष है, ठीक है। बस ऐसी फॉर्मूले से हमें लगा लेना है। A इक्वल क्या होता है, P(1+R)/100 टाइम। A की वैल्यू है 8p(P)(1+R)/100 टाइम की वैल्यू है 3 ईयर। इसमें P से P कट जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2^3(1+R)/100 टाइम। पावर से पावर खत्म हो जाएगी, 2^1+R)/100। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2-1 = R/100, 2 में से 1 जाएगा, 1 = R/100, तो R = 100%। यानी ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर 100% है। तो देखा हमने कैसे सिंपल तरीके से ही लगाया। उसने जो कहा था कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट 8p हो जाता है, तो हमने अमाउंट को 8p रख के और सोल्व कर दिया तो हमारी ब्याज दर निकल के आ गई। ब्याज दर क्या निकल के आई, ब्याज दर 100% निकल के आई, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।